फ्यूचर से नहीं कमाना है, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करिए. आई एम नॉट मेकिंग मनी बाय फ्यूचर, आई मेक मनी बाय ऑप्शन एंड आई हेज बाय फ्यूचर. वो माइंड सेट चलता आ रहा है किताबों वाला. वो क्या हो रहा है, फ्यूचर आप बाय सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ऑप्शन से हेज कर रहे हो. मैं कह रहा हूं हम ऑप्शन से ट्रेड करेंगे, फ्यूचर से हेज करेंगे. क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊं. मैंने थोड़ा सा माइंड सेट चेंज कर दिया. फ्यूचर सिर्फ हेज के लिए है, ऑप्शन से प्रॉफिट पैसा कमाना है. ठीक है, मूवमेंट मैंने टेक्निकली जान लिया क्योंकि मोमेंटम ट्रेड है ये, सुपर ट्रेंड और आरएसआई ने मुझे ओके कर दिया है. सिर्फ अगर लॉस होगा तो मैं उसको रोकने के लिए फ्यूचर से हेज कर रहा हूं कि मुझे लॉस ना हो. यही सुबह आपका क्वेश्चन था ना कि लॉस से कैसे बचूं. ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट अभी जब ट्रेड आया तो 10,107 के पास 50 है. जरा क्लोजिंग बिल्कुल लो बताइए, बिल्कुल नीचे आ जाइए. नहीं, जहां पर ट्रेड खत्म हुआ है सुपर ट्रेंड के साथ और नीचे आइए, बिल्कुल लो बता दीजिए इसका जो. हाँ, इसका लो बता दीजिए. क्या है 9700 करीबन 400 पॉइंट का मूवमेंट है. मैं मूवमेंट में बात कर रहा हूँ, कितना पॉइंट आ सकते हैं वो आगे हमने ट्रेड में देखिए. 400 पॉइंट का मूवमेंट है और ये 400 पॉइंट का अगर मैं फ्यूचर के साथ ऑप्शन में काम कर रहा हूं, ऑप्शन बाय करता हूं और फ्यूचर सेल करता हूं तो कमाता हूं. ये आपकी स्ट्रेटजी नॉर्मल चल रही थी, अब मैंने स्ट्रेटजी को बदल दिया. मैंने स्ट्रेटजी ऐसे करी है कि मैंने पुट बाय करी है, ठीक है, और फ्यूचर बाय कर रहा है, सेल नहीं. स्ट्रेटजी शुड बी चेंज. मैं फ्यूचर से सिर्फ अपना लॉस बचाऊंगा, ऑप्शन से पैसा कमाऊंगा. कैसे करूंगा अब मैं ऐसे, उसके लिए मैं एक और टूल यूज करूंगा. डैट टूल इज कॉल्ड डेल्टा. इस समय डेल्टा की वैल्यू बताइए सर, वहां लिखी हुई क्या है. 23.23 में 25 ले लेता हूं सर, राउंड कर लेते हैं. 25 है डेल्टा, 25 है. इस समय ऑप्शन प्रीमियम कितना है सर, प्राइस बताइए कितना है सर, क्लोज बताइए. 40 लिख लीजिए, 40 क्लोज है. ऑप्शन का पुट की वैल्यू 40 रुपए उस समय जब हम वो ट्रेड एक्टिव कर रहे थे और उसका डेल्टा 25 है. मैडम कितने लॉट लेने पड़ेंगे कॉल पुट के, चार, क्योंकि डेल्टा 25 है, सीधे सीधे कैलकुलेशन है. राउंड फिगर जरूर बना लेना क्योंकि ये एक पर्सन है जो बाइसाइकिल के बारे में थोड़ा आपको बता रहा है. कह रहा है बाइसाइकिल जब आप बचपन में सीखते हो तो आपके माइंड सेट पे ये आ जाता है कि बचपन से आपको कोई बताता नहीं है, थोड़ा बहुत आपको सिखाया जाता है, उसके बाद आपके माइंड सेट कर लेता है कि क्लियर दैट कि राइट पे मोड़ना है तो राइट क्लिक हो गया और लेफ्ट में मोड़ना है तो हमने हैंडल लेफ्ट क्लिक कर लिया. सिंपल बाइक. वो अपने इंजीनियर के पास जाता है और कहता है यार इस बाइक में ना थोड़ा वेरिएशन करो, मेरे को अपना माइंड सेट करना है. तो वेरिएशन क्या करता है, वो इसकी जो पार्ट्स है उन्हें चेंज कर देता है. यानी कि जब वो राइट की बात करेगा यानी राइट हैंडल मोड़ेगा तो बाइसाइकिल लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, और जब वो लेफ्ट की तरफ मोड़ेगा तो बाइसाइकिल राइट की तरफ मुड़ जाएगी. वो कहता है कि वो मैंने बचपन से सीखा हुआ है उसको मैं अब देखता हूं कि मैं बाइसाइकिल चला पाता हूं, चला पाता हूं, क्योंकि मैंने माइंड को बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी, जैसे आप लोगों ने अभी स्ट्रेटजी बताई. उसने अभी स्ट्रेटजी का वर्कआउट करने की कोशिश करी तो वो नहीं हो रही. द रीजन इज दैट कि आपके माइंड ने पहले से एक चीज रीड करी हुई है, सिर्फ अभी इसको ऑब्जर्व किया है और वो फॉलो नहीं हो पा रही. तो वो थोड़ी क्लैरिटी देना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो चीज हमारा माइंड रीड करता है उसे अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है, वो पुरानी बातों को ही याद रखता है और उनको बार बार लेकर आ जाता है. तो वही पिक्चराइजेशन की वजह से वो चला नहीं पा रहा. तो कह रहा है नॉलेज इज नॉट अ अंडरस्टैंडिंग. द एक्चुअल पिक्चर इज दैट कि मेरे को पता था कि राइट का मतलब राइट है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट है और मैंने उसको चेंज कर लिया, अब ये भी मुझे पता है, बट मेरा माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट और मैं बाइसाइकिल से गिर जाऊं. तो वो कह रहा है कि ये चीज करने में मुझे टाइम लग रहा है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कि ये चीज वैसे हो नहीं रही या मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा जबकि मेरे पास नॉलेज है. उसने कोशिश करी, टाइम लगाया, उसके बाद उसके माइंड ने वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, पुरानी चीजों को निकाला, नई चीजों को ढालना शुरू कर दिया और उसके साथ उसका माइंड मेकअप हुआ. 7 से 8 महीने के अंदर वो बाइसाइकिल को चलाना सीख गया उल्टी वाली, राइट का मतलब वो लेफ्ट करने लग गया और लेफ्ट का मतलब राइट करने लग गया और पुरानी वाली थोड़ा सा भूलने में लग गया. तो पुराना वाला मेथोडोलॉजी था ना वो उसके माइंड से निकलना शुरू हो गया. फिर उन्हें लोगों को चेक करना शुरू किया कि हो सकता है मेरे माइंड में प्रॉब्लम हो, दूसरों में ठीक हो, लेकिन वहां भी नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है, सबका एक जैसा माइंड है, सब में यही मेथोलॉजी. किसी का ज्यादा मतलब खुल जाता है, ओपन हो जाता है, किसी को अभी नॉलेज कम होती है तो कम रहता है, बट काम वो वैसे ही करता है, पुरानी चीजों को याद करे हुए है, नई इवेंट जब भी वो चेक कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा.
और हम लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था. आपने स्ट्रेटजी सीख ली, दो दिन लगाओगे बंद कर दोगे, ओके हटाओ, ये किसी काम की नहीं है. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. आप उसके ऊपर फॉलो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. टाइम दोगे तो ये वर्कआउट होगा. एक और चीज यहाँ पे इसने क्लियर करी है, वॉइस नहीं आ रही बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ. कह रहा है मैंने बच्चे ने साइकिल सीखी और पहले सीखी थी तब भी टाइम नहीं लगाया था, और अब जब मैंने इसकी हैंडल चेंज कर दी इसको बताया नहीं है. ठीक है, बच्चे को क्या पता, वो जब चला रहा है तो थोड़ा सा गिर जा रहा है, फिर चला रहा है फिर गिर जा रहा है. तो उसने देखा कि विद इन 2 वीक वो बच्चा सीख गया. एज अ फ्रेश माइंड सिर्फ 2 हफ्ते में उस बच्चे ने वो काम सीख लिया जो कि 8 महीने लगा दिए इसने सीखने. तो कह रहा है कि मेरा माइंड मैच्योर है और इतना डेवलप हो गया है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा चीजों को, जबकि उसका माइंड मैच्योर नहीं था और जल्दी डेवलप करके चला गया चीजों को. वही मैं आपसे कह रहा हूं, जितना पुराने ट्रेडर है, ओल्ड ट्रेडर्स जो पुराना लाइफ को जी के आ चुके हैं, मार्केट की सारी उठा बदल देख चुके हैं, उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा. जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजी चुटकियों का काम है.